दोस्तों आज मैंने नया OTG खरीदा है, क्रोमा 63 लीटर्स का। काफ़ी नोटिसेबल साइज़ है और मैं इसके साथ क्या क्या यूटेंसिल आए हैं और इसके फंक्शंस आपको समझाऊंगी। अब आप मेरी सारी हिंदी और इंग्लिश रेसिपीज़ मेरी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और अगर आपने मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो ये है क्रोमा 63 लीटर्स का OTG। काफ़ी नोटिसेबल साइज़ है, बड़ा है और बाकी के कंपनी की OTG के कंपेरिजन में प्राइस में भी काफ़ी अफोर्डेबल है। इसके तीन माइनस पॉइंट्स है। इसका पहला माइनस पॉइंट ये है कि इसका केबल जो है काफ़ी छोटा है। अगर इसका स्विच ऑपोजिट साइड में हो तो इसे लगाने में दिक्कत हो सकती है, आपको इसके लिए सेटिंग करनी पड़ेगी। जब इसका डेमो देने के लिए आए तो उन्होंने सिर्फ चारों नॉब के नाम बताए, जो कि सभी जानते हैं कि कौन कौन से नॉब होते हैं OTG में। ये नॉर्मल नॉलेज, जनरल नॉलेज है। और फिर मैंने पूछा कि केक बेक करने के लिए कौन से हीटिंग एलिमेंट्स का यूज़ करना है, जैसे कि सिर्फ ऊपर के हीटिंग एलिमेंट्स स्टार्ट करने हैं या फिर सिर्फ नीचे के या फिर चारों एलिमेंट्स स्टार्ट करने हैं। तो वो उनको पता नहीं था, उन्होंने कहा कि यूज़र मैनुअल में देख लो। और यूज़र मैनुअल में भी इस तरह से दिया है कि ब्रॉयलिंग के लिए ऊपर का हीटिंग एलिमेंट, टोस्टिंग के लिए दोनों हीटिंग एलिमेंट और बेकिंग के लिए नीचे का हीटिंग एलिमेंट। लेकिन इन सब में क्या क्या आता है ये डिटेल में नहीं दिया गया है। और इसका और एक माइनस पॉइंट ये है कि ये सिर्फ इंग्लिश में दिया है। मेरे ख्याल से ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में होना चाहिए, क्योंकि हर किसी को इंग्लिश पढ़ना या इंग्लिश समझ में नहीं आता है। तो ये तीन इसके माइनस पॉइंट्स हैं। अब हम इसके प्लस पॉइंट्स देखेंगे। अब मैं इसके साथ आए हुए यूटेंसिल्स आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले तो ये स्क्यूअर है और ये इसके साथ 6 स्क्यूअर रॉड्स है। इसमें आप नॉन वेज, वेज सारी चीज़ें आप इसमें बना सकते हैं। ये रोटेसरी फोक है, इसमें आप चिकन वगैरह बेक कर सकते हैं। ये ट्रे हैंडल है, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इसका यूज़ ना करें, या तो ग्लव्स पहने या फिर कोई कपड़ा यूज़ करें, क्योंकि इसकी ग्रिप जो होती है वो परफेक्ट नहीं होती है। ये रोटेसरी हैंडल है। ये क्रम ट्रे है, इसे OTG में नीचे जो हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं उसके नीचे लगाया जाता है, ताकि जो इसमें से लिक्विड गिरेगा किसी भी कुकिंग में से तो वो इसके ऊपर गिरेगा, तो नीचे OTG ख़राब नहीं होगा। ये वायर रैक है। ये बेकिंग ट्रे है, काफ़ी बड़े साइज़ का है, क्योंकि मैंने OTG भी बड़े साइज़ का लिया है, क्योंकि आई लव बेकिंग और मैं काफ़ी बड़े बड़े केक्स भी बनाती हूँ, कैरेक्टर केक्स भी बनाती हूँ। ये जो बेकिंग ट्रे का साइज़ है, इसमें 4 पफ आप आराम से एक साथ बेक कर सकते हैं। इसमें ये जो 3 यूटेंसिल्स हैं, ये बाकी के OTG में नहीं होते हैं। क्रोमा का ही OTG ले लीजिए, ये सिर्फ 63 लीटर्स OTG में ही आते हैं। ये लार्ज साइज़ के पिज़्ज़ा ट्रे है, 2 लार्ज साइज़ का पिज़्ज़ा इसमें आप आराम से बना सकते हैं। और ये जो है पिज़्ज़ा लेयर केज है, इसमें आप ऊपर नीचे एक साथ 2 पिज़्ज़ा बेक कर सकते हैं लार्ज साइज़ के। तो ये एक बेनिफिट है इसका, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, मुझे बहुत पसंद आई है। तो ये थे इसके यूटेंसिल्स। अब मैं आपको इसके फंक्शन बताऊँगी। इसका लुक काफ़ी अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। इसका जो डोर है ये ट्रांसपेरेंट है, ये इसका प्लस पॉइंट है। डोर ट्रांसपेरेंट होने की वजह से अंदर की चीज़ कैसे बेक हो रही है, जल रही है, तो हम इसे बंद कर सकते हैं, तो वो समझ में आता है। और इसमें 4 नॉब दिए हैं, जनरली OTG में 3 नॉब होते हैं। इसमें जो एक्स्ट्रा नॉब दिया गया है वो है कन्वेक्शन एंड रोटेसरी नॉब है। पहला नॉब जो है वो टेम्परेचर कंट्रोल नॉब है, इसमें आप 250 डिग्री तक का टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। दूसरा नॉब जो है वो हीटिंग कंट्रोल नॉब है, इसमें जो ऊपर नीचे 4 हीटिंग एलिमेंट्स दिए हैं उसके लिए है। तीसरा नॉब जो है वो फंक्शन सिलेक्टर नॉब है, कन्वेक्शन और रोटेसरी के लिए। इसमें फ़ैन स्टार्ट होता है, ये अलग से दिया है, ये इसका प्लस पॉइंट है। बाकी के OTG में सिर्फ 3 नॉब होते हैं, ये नॉब नहीं होता है।
तो इसकी वजह से क्या होगा कि इसका जब फैन स्टार्ट होगा तो हीट जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगी और जो भी आप बेक कर रहे हो वो अच्छे से बेक होगा। चौथा नॉब जो है वो टाइमर कंट्रोल नॉब है, 60 मिनट तक का टाइमर इसमें दिया गया है। अब इसमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी है ये मैं आपको बताऊँगी। इसका जो केबल है, जब आप इसको यूज़ नहीं कर रहे तब इसे निकाल कर रखें, इसे प्लग में लगा के बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि स्विच अगर ऑफ भी हो तो भी थोड़ा बहुत उसमें जो पावर होता है वो पास होता रहता है। और इसके जो नॉब है सारे के सारे जब OTG यूज़ में नहीं हो तब ऑफ पोजीशन में होना चाहिए, एक भी स्टार्ट पोजीशन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप स्विच ऑन करेंगे यूज़ करने के लिए तो वो ऑन होगा तो वो अच्छी बात नहीं है। वो सारे नॉब जो है जब यूज़ हो जाए तब उसे ऑफ पोजीशन में रख दें। दूसरा, इसका जो डोर है ये खोलते वक्त हमेशा ध्यान रखिए कि नीचे कोई नुकीली चीज़ ना हो, ऐसा कुछ रखा ना हो जिससे ये डोर ब्रेक हो सकता है। तो ये थी इसकी सावधानियाँ और ये है मेरा क्रोमा का OTG। अब इसमें मैं कई सारी नई नई चीज़ें जो घर पे हम आसानी से बना सकते हैं, बेक कर सकते हैं, बेकरी आइटम्स जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है लेकिन बाहर से लाते हैं तो हाइजेनिक नहीं होती है, मैं कोशिश करूँगी कि उन्हें हेल्दी भी बनाऊँ, जैसे कि मैदे की बजाय व्हीट फ्लावर यूज़ करके। तो ऐसी कई सारी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। धन्यवाद।